हाय फ्रेंड, टीचर सेल में आपका स्वागत है। मैं कुमार, आज आपके लिए इस वीडियो में UPPCS 2018 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। दोस्तों, 100% श्योर कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। UPPCS कट ऑफ पूर्व जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे नए एडुकेशन वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचते रहें। आइए देखते हैं दोस्तों, UPPCS 2018 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। 2018 का कट ऑफ जानने से पहले हम 2017 का कट ऑफ जान लें। 2017 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ गई थी 128 नंबर, जो 97 क्वेश्चन के बराबर थी, और फीमेल वर्ग की कितनी गई थी 91 क्वेश्चन। ओबीसी की 128 अर्थात जनरल के बराबरी ही गई थी, 97 क्वेश्चन जो किया था वो मेंस देने के योग्य था। एसटी का कितनी गई थी, तो एसटी की 98 नंबर गई थी अर्थात 73 क्वेश्चन। एससी की कितनी गई थी, तो एससी की 117 क्वेश्चन नंबर गई थी और 88 क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं UPPCS 2018 से संबंधित। तो UPPCS 2018 में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, 917। एसडीएम की कितनी थी, 119 सीट एसडीएम की थी। डीएसपी की कितनी थी, तो 100। दोस्तों बेहद अच्छा, बहुत अच्छा चांस है UPPCS में। इस बार जितनी सीटें आई हैं और एसडीएम की जितनी सीटें हैं, इस पिछली कई सालों में इतनी सीटें नहीं आई हैं, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों टोटल अप्लीकेंट कितने थे UPPCS 2018 में, तो 800,000 लोग थे, जिसमें लगभग 34-35% अनुपस्थित हुए हैं, क्योंकि मुख्यालय पे जिनका मतलब सेंटर पे जिले में जिसका सेंटर पड़ा था उसका तो जिला ही मिल गया, लेकिन जो अगल बगल जिले थे उनको दूर भेजा, जिससे कुछ लोग परीक्षा छोड़ना पड़ा। पेपर फर्स्ट जो होता है UPPCS में सामान्य अध्ययन, वो 150 क्वेश्चन का होता है, 200 मार्क होते हैं उसके, इसी पे मेरिट बनती है। पेपर सेकंड जो होता है वो 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क के, लेकिन ये सिर्फ पासिंग है, इसमें 33% आपको पाना है पास होने के लिए, नहीं तो अगर 33% नहीं पाते हैं तो फर्स्ट पेपर की आपकी कॉपी नहीं जचेगी। नेगेटिव मार्किंग कितना था, नेगेटिव मार्किंग 1/3 था, अर्थात 3 क्वेश्चन पे अगर गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन चला जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 2018 PCS का। तो सामान्य वर्ग के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, 90 से 95। दोस्तों आप लोगों ने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के कट ऑफ प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई 110 कर रहा है, कोई 105 कर रहा है। दोस्तों चूंकि फर्स्ट पेपर तो सरल आया था, लेकिन सेकंड पेपर बहुत टफ आया था। सेकंड पेपर में कई लोग ऐसे होंगे कि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, लेकिन सेकंड पेपर में पास ही नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों कट ऑफ तो आनी तय है, निश्चित ही नीचे आएगी। तो फीमेल की कितनी जाएंगी, तो जनरल की सामान्य वर्ग की 90-95 और फीमेल सामान्य वर्ग की 80 से 85। ओबीसी की कितनी जाएगी, ओबीसी की 89 से 94 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फीमेल की 77 से 82। एससी की कितनी जाने वाली है, तो 70-75 एससी की और फीमेल की 60 से 65। एसटी कितनी जाने वाली है, एसटी की 60 से 65 और फीमेल की 50 से 60। एक सर्विस मैन की कितनी जाएगी, तो 70 से 80 एक सर्विस मैन की
एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे नए एडुकेशनल वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचते रहेंगे।